खेल रहे हैं, वहां चीजें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि भाई मैच खत्म हो गया, क्योंकि पहले कहीं नहीं सूखा था। अगर बारिश दोबारा से आ गई तो कैसे सूखेगा? हमारा आपका दिमाग चल रहा है तो उनका नहीं चल रहा है। थोड़ी सी समय लेंगे, चाय पकौड़े खाएंगे वो, फिर आकर के बता देंगे कि यूएसए सुपर एट में पहुंच गया है। जलीलो, कमीनो, निकम्मो, भिखारिस्तान पाकिस्तानो, अपना जो बोरिया बिस्तर तुमने बांधा था 25-25 डॉलर में, जो तुमने अपनी इज्जत बिकवाई थी, उसको समेटो और जो बोरी में बांधा, क्योंकि तुम सूटकेस पैक करने लायक नहीं हो, बोरी में बांधना, कंधे पे डालना और कुली बन करके ले जाना, तुम्हारे पाकिस्तान में काम आएगी। जी समीर जी कह रहे हैं स्ट्रेन सीन्स हो गए थे, अनाउंस द लाइटनिंग वार्निंग एंड द इंस्पेक्शन वाज स्टॉप्ड मिडवे। सडनली बीच में कुछ हुआ था, सारे एम्पायर थे सब वहां से भाग के चले गए क्योंकि लाइटनिंग वार्निंग आ गई थी। कभी कभी जो स्पेशली यूएस में ये बहुत होता है, हरिकेन्स होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं एंड यू नो वहाँ स्टॉर्म्स बड़े बड़े आते हैं, सबको पता होगा, यू नो बहुत तबाही हो जाती है, तो वहाँ लोग जो है बहुत पर्टिकुलर है, तो लाइटनिंग बहुत खतरनाक होती है, गिर जाती है किसी पे तो हो जाता है उसका काम, तो भाई हो जाता है, तो भाई वो श्रीनाथ विनाथ को कुछ हो ना जाए, वो बेचारे अंपायर को कुछ हो ना नहीं, नहीं जाए। नहीं, जिनको होना था उनके साथ होना, जो दो पाकिस्तान की टीम ने वैसे तो कुछ किया नहीं, इक्का दुक्का उठ जाता वहां से, पता तो चलता, कुछ इतिहास बन जाता कि हाँ कुछ करके आए यार, कुछ तो हम दे के आए हैं, बाकी तो कुछ दिया नहीं इन्होंने। जी तो सुनील जी बता रहे हैं फिर से रेनिंग शुरू हो गई है, थैंक यू सुनील जी। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैम ये 25 डॉलर यानी 2000 पर प्लेयर या फिर 2000 पे पूरी टीम? यार आई थिंक क्योंकि 25 ऐसा कुछ था कि टीम अंदर थी और एक एंट्री फीस थी, ठीक है, तो एंट्री फीस कुछ 25 डॉलर की थी, जहां आप जाके प्लेयर साथ सेल्फीज ले सकते हैं और ऑटोग्राफ, तो मुझे लगता है ए भगवान मारो मुझे, ओ मारो भगवान मुझे मारो, ओ भगवान उठा लो मुझे, नहीं नहीं इनको उठा लो, 25 डॉलर में पूरी टीम समेत इंटरनेशनल कोच खाए। वही टीम पहुंची, आखिर इंतजार हुआ खत्म, 25 डॉलर में जो पूरी टीम बिक जाए, वो कैसे सुपर एट में जाए, कहां से किस मुंह से लेकर जाए हम उसको, 25 डॉलर यार होता क्या है, समझ रहे हो, मतलब जूते से भी नीचे मिट्टी मिट्टी के बराबर इन्होंने अपने मोल लगाए हैं। रमेश पाडू जी कह रहे हैं 50 देते तो पाकिस्तान और कुछ भी करवा लेते। हम मसाज करते था बाबर आजम आकर के, घंटे का किंग, मैं करता हूं मसाज हाथी आजम, अरे बाबर भैया ऐसे नहीं, मैं आपको उठाता हूं फिर तेरा मजा आएगा, ऐसे ऐसे कैसे कैसे कहना है। चलिए सुशांत जी आप काफी टाइम से काफी अंपायर्स को गाली गलौज कर रहे थे, ये साले अंपायर और कॉल ऑफ क्यों नहीं कर रहे? हो गया काम, हो बारिश गया आके कितनी काम। तेज हो गई है देखो सामने, जबरदस्त रेनफॉल आ रही है, पूरे अरमानों में पानी फिर गया है एंड पाकिस्तान जो है अब सीधा फ्यू करके कराची एयरपोर्ट पहुंच और भाई समुंदर दो स्विमिंग पूल दोबारा बनने वाला है ग्राउंड, और ये तो छोड़ो यार कल के मैच के भी आसार नहीं लग रहे हैं, समझ रहे हो, तो मतलब 3-4 दिन से पिछले कोई आसार नहीं लग रहे हैं मैचेस, जो ये पता नहीं क्यों रख दिया ऐसी जगह मैचेस जहां इस समय सबसे ज्यादा बारिश होती है, समझ के बाहर है यार। चलो देखो वैसे तो देखो जो मैचेस रखे थे उनकी कोई कीमत थी नहीं, मैं बता दूं दोस्तों, सबने सोचा था एक ग्रुप से कौन दो टीमें जाएगी, इंडिया ने पाकिस्तान, मैचेस बाद के किसके साथ रखे, छोटी टीमों के, अब उन छोटी टीमों के मैचेस की कोई कीमत थी नहीं, लेकिन सबको क्या पता था पाकिस्तान छोटी टीम से ही ठुकवा लेगी अपनी, फिर वो छोटे मैचेस इंपोर्टेंट हो जाएंगे बड़े, वरना ये अच्छी जगह नहीं रखे जाते। जी, बिल्कुल। तो भाई रमेश बाडू जी, इनका पहली बार हमारे साथ मैसेज है, तो वो वैसे एक मैसेज मैं अभी आपका ले चुकी हूँ, वो कह रहे बहुत बहुत बधाई हो,
सेमीफाइनल खेलेगी, पाकिस्तान बाहर हो गई और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू सुनील, आपने कॉन्स्टेंटली हमें अपडेट्स दिए हैं। साथ जी अभी जो है अभी मैच पे डिस्कशन हो रही है, मैं आपकी जर्सी की फोटो जरूर लगाऊंगी, अपने बैकग्राउंड में लगाऊंगी, लेकिन जब आप वो जर्सी पहने होंगे तब मैं वो जर्सी की फोटो लगाऊंगी। अभी थोड़ी मैच से डिस्कशन के बारे में डिस्कशन चल रही है, इसीलिए हम उसके रिलेटेड जो है वो सारे मैसेजेस लेंगे। तो भाई डिसिप्लिनिस्ट कह रहे हैं दल दल पाकिस्तान, आटा आटा पाकिस्तान नहीं बजाया भाई जा। तो भाई यार बहुत सारे लोग कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं लकी जी, एंड भाव साहब जी कह रहे हैं 2 मिनट साइलेंस फॉर पाकिस्तान। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इतना भी डिजर्व नहीं करती है टीम, या जो $25 में बिक जाए उसके लिए 2 मिनट बहुत कीमती है हमारे जीवन के, हम नहीं देंगे 2 मिनट, हम 2 गाली देंगे इनको, आप भी निकालो दबा करके, मैं नहीं निकाल सकता लाइव बैठा हूँ। तो रिंकू जी कह रहे हैं कृष भाई आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, तो भाई कृष तो भाई हीरो इंसान है, उस पे सब मस्त रखता है, फिटनेस का ये फायदा कि भाई सारे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भाई सही बात है, थैंक यू कृष, आप थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच। और सारे कमेंटेटर का मुंह लटक गया है, ऐसे लटक गया है कि जैसे कि ये इंडियन कमेंटेटर्स का मुंह क्यों लटका, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तान को एक बार और जलील करने का मौका था हमारे पास, लेकिन वो निकल गया है, मैच अबॉन्डेंट हो गया है विदाउट टॉस विदाउट ए बॉल, लेकिन क्या आज की रात पाकिस्तान को नींद आएगी या पाकिस्तान को सिर्फ कॉल आएंगे, मुझे लग रहा है होटल में टीवी टूवी ग्लास ग्लूस सब टूट रहे होंगे, अभी एक हाथ तो टूटा होगा बाबर आजम ने, एक हाथ का खाना ठूस रहे होंगे, उनको पता है कि अभी अभी का पद कभी भी कॉल आ सकता है, निकलो यहाँ से, और एक एक आधा कॉल तो पक्का आया होगा, पाकिस्तान आर्मी से कॉल गया होगा इनको, अरे हाँ ये तो आर्मी से ट्रेनिंग लेके आई थी ना, आर्मी से ट्रेनिंग लेके आई, इंडिया से हार गई, यूएसए से हार गई, मजा मजा उस कनाडा से जीती है, और भाई मुझे तो लग रहा है आयरलैंड के साथ भी टाटा बाय बाय होगा इनका, और सीधा मुंह लटका के वापस, तो सरेंडर करने की ट्रेनिंग ली होगी जी, वहां से फोन आ गया होगा इनको कि आपने जो ट्रेनिंग ली थी आपने किया उनके उसके थोड़े से विपरीत, इसलिए इमरान खान के साथ वाला जो कैबिन है ना जेल का, तकरीबन वो कैबिन ही है, कारखाना वो खाली है, तुम्हें पूरी टीम को एक ही में बंद करेंगे। अच्छा मैं अब समझ रही हूँ ये पाकिस्तान यूट्यूबर इतना मुंह क्यों लटकाए हुए, क्योंकि इनके टीम के बिना इनका चैनल कोई नहीं देखेगा ना, कोई देखेगा नहीं, वही इंग्लैंड की एनालिसिस या ऑस्ट्रेलिया की एनालिसिस या इंडिया की एनालिसिस देखने कोई पाकिस्तान के चैनल में क्यों जाएगा, यू नो पाकिस्तान के चैनल में तो तब हम तब जाते हैं ना कि पाकिस्तान हारता है या यू नो इंडिया जीतता है, तो इंडिया की जीत पे चलो थोड़े व्यूज मिल जाएंगे, मैंने वही बोला था, बिल्कुल सही बात बोली आपने, मेरे को अभी बात समझ में आई कि अभी इतना रोना दो तीन घंटे से इनका कंटिन्यूस रोना चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि अब जो है इनका बिल्कुल वेस्ट हो गया, जो ट्रिप हो गया सालों का, लाखों का नुकसान आपने बता दिया, जो इन्होंने टिकट बुक कराई थी वो तो नुकसान है ही है, जो लाखों की कमाई आनी थी करोड़ों उनकी जो भरपाई होनी थी और फ्री का टूर मिल जाता, अब वो उनकी पॉकेट से जाएगा, क्योंकि व्यू तो मिलेंगे नहीं, आज के व्यू मिल जाएंगे, गालियां पड़ेंगी उनको दबा दबा करके, निकाल लेंगे जितने भी, उसके बाद के मैचेस इंडिया वाले मैचेस में इनको थोड़े व्यू मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे यार, बट इनकी कंट्री बाहर हो गई ना, अब लोग इनको इतना भाव नहीं देंगे, क्योंकि यार जिसके कंट्री के प्लेयर बिल्कुल बांग्लादेश आगे चली गई, अफगानिस्तान आगे चली गई, ऐसी ऐसी कंट्रीज यूएसए आगे चली गई, तो जो भाई, पहला मैं टूर्नामेंट खेल लिया था, तो इनके मतलब अगर प्लेयर्स पे इतना दम नहीं है तो एनालिस्ट कहां से पैदा हो गए, मतलब प्लेयर पहले पैदा हो गए एनालिस्ट बाद में पैदा हो गए, प्लेयर ही ऐसे तो एनालिस्ट कैसे होंगे, मुझे लगता है वैसे इनका काम बैठ जाना है। तो भाई थोड़े से मैसेजेस ले देते हैं क्रिश, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोगों के सारे कंग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं और पूरी पाकिस्तान की ठुकाई कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। स्वप्निल जी कह रहे हैं पाकिस्तान के बाहर होने से बिना मतलब का शोर शराबा टेंशन मौका बंद रहेगा, जी बिल्कुल सीरियस क्रिकेट में ध्यान रहेगा, जो यहाँ खेलना चाहते हैं बिना पर्ची सिस्टम के डिजर्विंग अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं उस पे पूरा जो है फोकस रहेगा। मुझे याद आया लास्ट टूर्नामेंट हमारे इधर था, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बचा, जनता नहीं आ रही थी हमारी, उस दिन जब कनाडा के अगेंस्ट खेल रहे थे ना पीछे दिल दिल पाकिस्तान लग रहा था, मतलब देखो यहाँ तो जनता भी थी आपकी, दिल दिल पाकिस्तान भी बजा, बड्डो बड्डी भी बजा, सब कुछ बजा,
और दोबारा भी बजा धड़ाधड़ बजा, अब जीत क्यों नसीब नहीं हुई, होनी भी नहीं थी भाई साहब। देखो टीवी पे क्या दिखा रहे, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम विद पैकिंग, उनके बैग, मतलब कैसा माहौल आ गया है। जी जी बैग दिखा रहे हैं, बैग दिखा रहे हैं पूरे ड्रेसे ड्रेसिंग रूम में पैकिंग के साथ, जूते वूते सब कुछ पैक करके भाई ये भेज दो इनको। जी तो बाबू साहब जी कह रहे 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस पे हंस भी सकते हैं, हंसना मना नहीं है, ये बात सही है। तो IMF का लोन पास हुआ कि नहीं, तो भाई अब तो IMF भी शायद इनको लोन ही देगा, अपने पहले प्लेयर्स को गिरवी रखो फिर लोन लूट जो भी ले जाओ भाई। IMF का पहले इनको शायद लोन मिला था, अभी तो पता नहीं मुझे। समीर जी कह रहे बढ़ गया पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान, टाटा भाई में पाकिस्तान, अब घर लौट जाओ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, उस दिन लोग मेरे पे गुस्सा हो रहे थे जब मैं इतना तड़ी हुई थी कि भाई आज पाकिस्तान को आउट करवा दे, USA जीत जाए, लेकिन देखिए पाकिस्तान के निकलने से लोग जो है आज दिल सबका गार्डन गार्डन हो गया। वैसे समीर जी कभी भी इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज उनका भी दिल थोड़ा मुझे गार्डन गार्डन लग रहा है। अंदर से जो आवाज आती है कब तक दबाएगा इंसान, समीर भी तो भाई इंसान ही है। सही है, कल भाई 5 मैच 4 मैच है, पहला मैच जो 5 बजे मैं तो देखूंगा भाई, साउथ अफ्रीका नेपाल हल्की टीमें लगवा था, न्यूजीलैंड युगांडा 6 बजे है, उसके बाद इंडिया कनाडा 8 बजे कम ही चांस है होने के, बट फ्लोरिडा में है, देखते हैं। नामीबिया वर्सेस इंग्लैंड, इस पे भी नजर रहेगी क्योंकि इंग्लैंड के चांस तभी है ये मैच जीते, पहले जीते फिर अगला मैच, क्योंकि वो स्कॉटलैंड हारे तब। जी जी सिद्धार्थ जी आ गए हैं और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं अब एयरपोर्ट की लॉबी में मीट एंड ग्रीट करेंगे $10 पे पाकिस्तान के लोग। जी जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आज तो खुशी का माहौल है भाई, बिल्कुल टाइमिंग से मैं 10:20 पे हम ऑनलाइन आए, 10-15 मिनट बात हुई एंड देन 10:45 हमने आपको बेस्ट खबर दे दी कि भाई पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो भाई प्रहलाद जी कह रहे हैं आज बाबर आजम रो पूरी रात जो है वो नहीं सोएगा और रोएगा। नहीं यार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड कप का, इनके सारे पैसे तो यार लीग में बनते हैं, उनको सिर्फ ये है कि भाई लीग वाले हमें बाहर ना फेंक दे, वहां से इनकी कमाई है। यार ऐसे लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, उनको कंट्री से मतलब भी। पैसे कमा तो लिए यार $25-25। दूसरा आज इनको खबर मिल जाएगी, क्या करेंगे, नींद तो आएगी नहीं, शिवानी ने बता दिया, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, बाहर जाएंगे कहेंगे भाई $25 में फोटो ऑटोग्राफ था, अब $50 दे दो हमें, हम जूता साफ करेंगे, अपनी जीभ से जूता साफ करेंगे, अपने पछवाड़े से जूता साफ करेंगे, कहोगे पूरी टीम एक साथ करेगी आपका जूता, और कहोगे तो उसको सूंघेंगे भी, क्योंकि हमें चाहिए वापस जाने के टिकट के पैसे, PCB ने मना कर दिया है हमें। अब जो इनके मोहसिन नकवी साहब ने बोला था कि सर्जरी होने वाली है इस टीम की, तो भाई कटन कटाई होके सर्जरी होगी इस टीम की, और हम देखेंगे कि कुछ सर्जरी के बाद को क्या पैदा होता है, क्या बाहर निकलता है, क्या रहता है, क्या बचता है। इंडिया से जीत के आना, जीत के ही आना, ऐसी स्टेटमेंट दे देते तुम, लगवा दे तुमने एल, अब आपको लगता है इनका कोई फ्यूचर है, चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फ्यूचर है इनका? अब ये यही कहेंगे, एक एजेंडा चलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लेंगे, अपने घर में देख लेंगे, हम घर अपने घर के शेर नहीं कुत्ते हैं, हम एक साथ चिपट जाएंगे सबके ऊपर, चिपट जाएंगे, भूख के कुत्ते हैं हम तैयार है, हम पाकिस्तान में डेरा डालेंगे, गैंग के साथ आएंगे, ट्रेनिंग हमें यही मिली थी। जी जी बिल्कुल। तो भाई हरिंदर सिंह मट्टी जी आ गए, हमें US से ज्वाइन करते हैं। हरिंदर जी आपका वेलकम है। ICC ने पाकिस्तान की ले ली ICC ने क्या किया वो बेचारे, ICC ने तो अपना टूर्नामेंट ही रखा था, उनका वहां बारिश हो गई, तो भाई क्या कर सकते हैं। रॉक रॉली जी पूछ रहे हैं बाबर सिर्फ सोशल मीडिया का किंग है, आपको क्या लगता है? देखिए बाबर आजम के साथ ना बड़ी प्रॉब्लम है, उनके जो फादर है ना वो उनका पूरा सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, ठीक है, और वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं, उन्होंने ये फैन बेसिस फैन आर्मीज बनाई हुई है जो चीजें ट्रेंड करवाती है, लोगों का माइंड जो है ब्रेन वॉश करती है, और जो कम एजुकेशन वाले लोग होते हैं वो इजिली जो है ब्रेन वॉश हो जाते हैं। सो इस वजह से बाबर आजम की काफी होल्ड हो गई है, और जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है जो आज हम देख रहे हैं। सो यस, ही इज नॉट द किंग, ही इज द लिंक,
ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑफ क्रिकेट एज वेल. ही सर्टेनली नॉट द किंग. बाबर आजम जैसे प्लेयर को भाई मैं किंग का दर्जा किसी भी एवेन्यू में नहीं दूंगी, क्योंकि वो ऐसा एक सेल्फिश प्लेयर है जिसने एक नहीं बहुत सारे वर्ल्ड कप्स हरवाए हैं अपनी कंट्री को एंड बहुत सारे बायलैटरल सीरीज भी हरवाए हैं अपनी कंट्री को. जो बंदा अपनी कंट्री के लिए नहीं सोचता और सिर्फ अपने लिए सोचता है, उस बंदे का मेरे मेरे आंखों के आगे कुछ भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है. क्रिश यार अपने रन बनाते रहो, स्टैट पैडिंग करते रहो, रिकॉर्ड दिखाते रहो. देखो बाबर के रिकॉर्ड ठीक है, किंग नहीं है. किंग की मुहिम चला रखी है इन्होंने अपने वहां पे, अपने टीममेट्स में जो खिलाता है जिनको जबरदस्ती बोल करके कि मैं खिलाऊं तभी वो किंग किंग करते फिरते रहते हैं, चाटते रहते हैं. और उसी मुहिम को इसके फादर चलाते रहते हैं आगे पीआर सिस्टम के थ्रू. अब पूरी जनता को ये गलत फहमी पाल दी है कि हाँ यही है किंग, घंटे का किंग. पाकिस्तान के रिजल्ट भूल जाते हैं वो यार, वहां का बेचारे अंडर 18 प्लेयर ही कह रहे हैं घंटू किंग है वो. तो साथ जी आप भी बहुत ज्यादा फनी है जी. बिल्कुल विराट इज द रियल रेजेंड, ये बात बिल्कुल आपकी सही है. थैंक यू सो मच. आप पाकिस्तान से होते हुए भी विराट को बहुत प्यार करते हैं, इस चीज की हमारी अप्रिसिएशन है. रजेंद्र जी कह रहे हैं पाकिस्तान T20 परमानेंटली आउट हो गया है एंड लव फ्रॉम फ्रांस. तो भाई फ्रांस से वो देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. पहली बार हमारे यहाँ व्यूअर आया फ्रांस से, तो आज तक कोई भी नहीं आया ना क्रिश. तो भाई यूएसए से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूके से भी आते हैं. लकी जी यूके से ही है. तो भाई फ्रांस से फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है. एक रशिया से भी व्यूअर आता है हमारा, और हम बड़े पॉपुलर भी है भैया, ऐसी बात नहीं है. हम धीरे धीरे हर कंट्री में पहुंच रहे हैं. इसीलिए वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और फिर लग जाओ पाकिस्तान की बजाने में. दिल खोल करके बोलो दोस्तों जो बोलना है, हमारे चैनल पे कोई रोक टोक नहीं है. जी बिल्कुल. तो बहुत सारे कह रहे रमेश राजा ने बाल सुखाने का ड्रायर होता तो ग्राउंड शायद सूख जाता. वो सूखी मुंडी लिंडी की तरह हो रखा है खुद ही, वो खुद ही लेट लेट के सुखा देता भाई. ऐसा माहौल था. बाबर के लिए मैं कर दूंगा ये सब काम. तो यार ऐसी नौबत आने ही क्यों दी, मैं तो ये कहता हूं. अब ऐसी नौबत आई है, तुमने पैदा की है तो करो भरपाई. पूछो पाउंड से पसीना, लो डॉलरों में अपनी बेइज्जती करवाओ, पाकिस्तान को बेच के आ जाओ डॉलरों में. वैसे टीवी में भी वो आजम खान बर्गर, आजम खान हाथी खान को दिखा रहे हैं. एक मेरा हमेशा गिला रह जाएगा कि इंडिया के अगेंस्ट इसको खिलाया है. यार इंडिया के अगेंस्ट खेलता थोड़ा बुमराह डांस डूज करवाता, जडेजा कुलदीप तो चलो सिराज जिसके छाती के बीच में से बॉल निकाल देता. यार थोड़ा सा डांस करते हुए दो चार बॉल ये डक डुक खेलता और उसके बाद डक पे आउट हो जाता. मतलब जीरो बिल्कुल रन्स ना बना के जीरो पे चार पांच बॉल उसको हम अच्छे से डांस करवाते पिच में, तो वो नजारे होते. बस मेरी ये खलल रहे यार, अगर बॉल लग करके ये कट लेता ऊपर तो ये तो कहते हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, हमारे बंदे को जानबूझ के भेज दिया ऊपर जन्नत रे. फिर अच्छा नहीं खिलाया उन्होंने, जानबूझ के नहीं खिलाया. तो साथ जी कह रहे हैं कि गंदी शक्लें देखकर आपको गुस्सा आता है. साथ जी मुझे पूरा विश्वास है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाएंगे और हम आपको यहाँ से सपोर्ट करेंगे, तब यू नो पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेटर करेगी और आप पाकिस्तान के भी कैप्टन बनेंगे, ये मेरी ख्वाहिश है. नसीम शाह के साथ खेलते हुए मिलोगे, मजा आ जाएगा. एक अच्छा अच्छा बंदा तो वही है, वो सीनियर होगा, आपको प्राउड फील कराएगा. आप उस टीम के लिए जान लगाते हुए मजेदार विनिंग मोमेंट दिलाओगे. फिटनेस जैसे ये क्रिश ने अपने मसल पूरे यहाँ मेंटेन करके रखे हुए ना, वैसे ही फिटनेस पूरी मेंटेन करके रखनी है, तभी जो है आगे कुछ अच्छा होगा. एंड हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ. नसीम शाह की तरह फिट रहो जी, क्रिश के जैसे भी फिट रह सकते हो. तो डिसिप्लिनर्स कह रहे हैं क्लाउड्स में नासा ने जो है वो चिप लगा दिए, ये नासा की साजिश है ना. ये आपने सही बात बोली, इंडियन इंडियन ये मैं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा है भाई. ये वाला मैंने भी नहीं सोचा था ये वाला आएगा. अच्छा वाला है, अच्छा ये आपने बहुत अच्छा मारा है. अच्छा वाला ये आएगा, पक्का आएगा. कोई ना कोई बदिमाग उनका बोलेगा कि नासा से जबरदस्ती वो बारिश यहाँ पर चिप के थ्रू भेजी गई है, बारिश रुकी नहीं और 3 घंटे रुकी तो खेल हुआ ही नहीं, तो ये सब बहानेबाजी इनकी आएगी. जी तो समीर ने स्टैट्स अच्छे भेज दिए. समीर जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 2007 में रनर अप था जब इंडिया जीती थी, 9 में चैंपियंस था. आई थिंक शायद अफरीदी ने जिताया था उस टाइम,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। सेमीफाइनल्स खेला था 2010 में, 12 में सेमीफाइनल, 14 में सुपर 10, 16 में सुपर 10, 21 में सेमीफाइनल, 22 में ये रनर अप थे बिल्कुल नेदरलैंड्स के थैंक्स, एंड 24 में फर्स्ट राउंड इनकी एग्जिट हो गई है। पाकिस्तान एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड इन ऑन द इन द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा चीज हुई है कि फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गए। और देखो फर्स्ट राउंड में हो जाना कोई बुरी बात नहीं थी, अगर इसमें सिर्फ बड़ी टीमें होती, जो टॉप 8 टीम होती है, 10 टीमें होती ना, वो होती तो मैं मान लेता कोई बात नहीं है। लेकिन भाई अब 20 टीमें थी, छोटी छोटी टीमें जिन्होंने खेलना ही अभी सीखा था या कंट्री के नाम ही अभी आए थे क्रिकेट में, वो भी जीत करके आगे निकल गई और आपकी सालों की किंग गिरी रखी रह गई। और लेके आओ किंग को वापसी, हम बनाएंगे बाबर, बाबर बाबर नहीं गोबर बना दिया, और वो गोबर लेप दिया पूरी पाकिस्तान की टीम पे। अब पाकिस्तान वाले रोना धोना तो करेंगे लेकिन इस चीज के खिलाफ आवाज अभी भी नहीं उठाएंगे। जी तो डिसिप्लिनर्स का बड़ा अच्छा मैसेज है, पर मैं सोच रही हूँ इसको मैं पढ़ूंगी कैसे। लोग बोल रहे हैं कि मोनांग पटेल के 50 रन ने जो है बाबर के, बाबर को उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है, 4000 रन पे मोत दिया। तो बिल्कुल सही बात है, मोनांग पटेल ने जो वो उस टाइम 100 for 1 ले गया था अगेंस्ट पाकिस्तान, ही वॉज प्लेइंग और 50 उसने खुद के मारे थे। बहुत ही मतलब यार इनक्रेडिबल, मतलब मैं तो यार जहां बैठी थी मैं वहां से हिली नहीं, मैं कहा मेरे हिलने से कोई आउट ना हो जाए इनसे। तो भाई यूएसए को इतनी ज्यादा सपोर्ट थी उस दिन मेरी तरफ से, तो भाई मोनांग पटेल वर्ल्ड चैंपियन।